फोटो वायरल हो रही है ये तो गलत है कहना, क्योंकि ये फोटो तो मैंने खुद अपने फेसबुक हैंडल पे डाली है। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, तब भी ये लोगों ने कयास लगाया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये कहना गलत है कि आप प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो आप कोई दल ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक दल के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं पूरे क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कट्टर सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी गाड़ी के झंडे को जरूर सब तक पहुँचाएं कि मेरी गाड़ी पे आज भी झंडा लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ लालगंज के सांसद, सुरक्षित सीट है लालगंज की, वहाँ से हमारी सांसद हैं संगीता आजाद जी। आज उनसे हम बात करने के लिए आए हैं और बात इस विषय पर करने के लिए आए हैं कि अभी एक फोटो और वीडियो जारी हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी फोटो वायरल हुई। इसके कई प्रयास लगाए जा रहे हैं, पार्टी से लेकर और औपचारिक मुलाकात की भी बातें आ रही। सारी बातों को करने के लिए हम संगीता जी के पास आए हैं। क्या कहना है पहले तो मैम, जो ये फोटो वीडियो वायरल हो रही है? फोटो वायरल हो रही है ये तो गलत है कहना, क्योंकि ये फोटो तो मैंने खुद अपने फेसबुक हैंडल पे डाली है। और अगर आपको अपनी क्षेत्र की गति प्रदान करनी है, वहां पर विकास लाना है, तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा। और मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली। और ये कहना गलत है कि आप प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो आप कोई दल ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक दल के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र से सटे हुए उनके क्षेत्र है जहाँ से वो प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा सौभाग्य ये भी है कि मेरे क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, तब भी ये लोगों ने कयास लगाया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम रेल की समस्या को लेकर, अपने जिले की अन्य समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने एक वंदे भारत की डिमांड की। और जो हमारा मंदूरी हवाई अड्डा अभी संचालन हुआ है, जिसका जिसमें सिर्फ मात्र एक हवाई यात्रा शुरू की गई है आजमगढ़ से लखनऊ तक के लिए, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से डिमांड की थी कि सिर्फ लखनऊ तक को न सीमित रखा जाए, वहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य महानगरों के लिए, क्योंकि हमारे जनपद से लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और अन्य जनपदों से उनको जाना पड़ता है। कोई लखनऊ से जाता है, कोई बनारस से जाता है, कोई गोरखपुर से जाता है, उनको साधन की सुगमता नहीं है। तो साधन की सुगमता लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली ताकि हमारे जिले से ही अन्य महानगरों के लिए यातायात सुगमता से चालू हो सके। काफी कयास लगाया जाए, उन लोगों को क्या जवाब है जो ये कह रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी में बड़ा झटका लग सकता है आपको? देखिए, ये न्यूज़ 18 वालों ने जो ये खबर फैलाई है ये तो काफ़ी गलत है और ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम हम लोगों से पूछ लेना चाहिए, हमारे व्यू को ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ एक फ़ोटो उन लोगों ने वायरल, अगर आप मेरा फेसबुक हैंडल देखेंगे तो उसमें तीन फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें एक फ़ोटो में मैंने चिट्ठी भी दी है। उस चिट्ठी को और उसके साथ मैंने दो लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, वो लेटर भी मैंने उसके साथ दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो को दिखाया और कयास लगा लिए कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं या जो भी। आज न्यूज़ 18 की सुबह न्यूज़ में भी ये था, लेकिन ये जो भी न्यूज़ 18 वालों ने किया है काफ़ी गलत है। इस तरह का दुष्प्रचार इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं पूरे क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कट्टर सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। और अभी आने वाली 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्मदिन है। मैं सभी क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग बहन जी के जन्मदिन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माननीय बहन जी के दीर्घायु होने के लिए उनके जन्मदिन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनके जन्मदिन को खास बनाएं। और हम सभी लोग माननीय बहन जी की लंबी आयु की शुभकामना करते हुए उनके साथ रहेंगे, हमेशा ही पहले से रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया?
माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि जल्द ही वो आजमगढ़ से दिल्ली से आजमगढ़ की जो वंदे भारत की मेरी डिमांड है उसे वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और ये जो भी डिमांड थी मेरी मंदूरी से एयरवेज के लिए, जो चाह रहे थे कि हम कि दिल्ली मुंबई और कलकत्ता अन्य महानगरों के लिए भी यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाए, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि वो जल्द इसके ऊपर विचार करके बताएंगे। चलिए, ये जो बातें चल रही हैं, अब आपकी जनता लालगंज की जनता उनको क्या संदेश दें? एक और चीज हम बताना चाहेंगे, न्यूज 18 ने कहा कि मेरी गाड़ी से झंडा उतर गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरी गाड़ी के झंडे को जरूर सब तक पहुंचाएं कि मेरी गाड़ी पे आज भी झंडा लगा हुआ है, और क्षेत्र की जनता से यही कहूंगी कि मैं बहुजन समाज पार्टी की पहले थी और आगे भी रहूंगी। तो ये सारी बातें चल रही है उस पर आप अपनी लालगंज की जनता को क्या संदेश देंगे आजमगढ़ की? कि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में न फंसे, और जो भी क्षेत्र का काम होगा मुझे जहाँ तक जिससे भी मिलना होगा हम मिलेंगे, और आप लोगों का जहाँ तक काम करना पड़ेगा मैं काम तक करना करूँगी। मैंने हमेशा कहा कि मैं सड़क से लेकर संसद तक आपका संघर्ष पहुँचाने का काम करूँगी, तो मैं क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। शुक्रिया। तो ये थी लालगंज की सांसद संगीता आजाद जी, और हमने इनसे बातें की जो कल इनकी फोटो या वीडियो जो भी जारी हुआ है उसको लेकर तमाम कवायतें थी, उस पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वह प्रधानमंत्री से अपने एरिया के विकास के वास्ते मिली थी, और चाहे वो समय समय पर मुख्यमंत्री जी से भी मिलती रहती है, और इसको लेके राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त की गई हैं उसका उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है, और वह अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।